हेलो फ्रेंड्स, आप लगातार जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो आज छत्तीसगढ़ में फैसला होने वाला है उसके बारे में हमसे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, फैसला आ चुका है, जो है डिसीजन ले लिया गया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के छत्तीसगढ़ में। क्या फैसला आया, किन किन बातों पर जो है चर्चा हुई, किस तरह से फैसला दिया गया, वो सभी बताएंगे। डिसीजन में कौन कौन सी बातें बोली गई हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको यही चैनल ऑथेंटिक रूप में देता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में फैसला होने वाला था और हो चुका है फैसला। आप लोग बोलोगे कि लाइव इसका अपडेशन क्यों नहीं मिला, तो इसका रीजन है क्योंकि ये फैसला यानी डिसीजन दिया जाना था, इसकी वजह से जो है इसे नहीं दिया गया, इसी की वजह से इसको लाइव नहीं जो है सुनवाई हुई। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट पर बातें हुई है। डीएलएड और बीएड इन दोनों को लेकर के छत्तीसगढ़ में मामला चल रहा था, जिसमें से बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में ज्वाइन करवा लिया गया था और वो प्राइमरी में नौकरी कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है ये मामला छत्तीसगढ़ में चल रहा था। इसमें मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग के टाइम में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था उसके बाद, बट बीएड अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जो है काउंसलिंग में बैठने का परमिशन ले करके आए। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि ये एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरिट पे बात जो है वो हाई कोर्ट का होगा और हाई कोर्ट ही इसमें फैसला देगी। तो फाइनली हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है ले लिया है। इसमें हाई कोर्ट ने डीएलएड के पक्ष में फैसला दिया है। मैं आपको बता दूं, आपको भी सुनने में लग रहा होगा, जो भी बीएड के अभ्यर्थी है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन फैसला यही आया है, डिसीजन यही आया है, डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। और सरकार को बोला गया है, राज्य सरकार को बोला गया है कि 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है ये भर्ती प्रक्रिया को फिर से पूरी की जाए और फिर से मेरिट बनाया जाए और इसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाए। अभी फिलहाल जो है यही चीजें निकल कर आ रही है। देखो, हम आपको जल्दबाजी में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे, तो कंफर्म हमने किया है, हाँ ये फैसला आया है डीएलएड के पक्ष में, बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर दिया गया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। फैसला बिल्कुल बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसा कि आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिख रही थी, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जो है कुछ जो चीज़ें निकल कर आई है वो काफ़ी निगेटिव है बीएड वालों के लिए। लेकिन वहीं पर वाइस वर्सा अगर हम देखते हैं तो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा और राज्य सरकार को 6 महीने का, 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है इस प्रोसेस को फिर से पूरा करने के लिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है, डीएलएड अभ्यर्थी भी हमसे ये पूछ रहे थे कि मैम क्लियर कर दीजिए कि फैसला क्या है, तो हमने आपको बता दिया। बीएड अभ्यर्थी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इसमें हमें फिर से कोई मौका कुछ इस तरह से मिल सकता है। तो देखो, एक्चुअली में क्या है, छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आप लोग लेकर के गए थे, बीएड अभ्यर्थी लेकर के गए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में बैठने की जो है इजाजत तो दे दी थी, लेकिन उसने ये भी बोला था कि मेरिट बेसिस पे जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का होगा। तो यहां पे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है डीएलएड के पक्ष में सुनाया है। तो फिलहाल जो है यही चीजें निकल कर आ रही है बीएड वर्सेस बीटीसी। छत्तीसगढ़ से जो है बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जो लोग भी छत्तीसगढ़ में ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको एक झटका लगा है और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर आई है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या राज्य सरकार जो है इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाएगी या फिर एमपी गवर्नमेंट की तरह वो भी कुछ और करेगी। लेकिन जहां तक बताए तो छत्तीसगढ़ ना, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है बीएड को काउंसलिंग से भी बाहर कर चुकी थी जब फैसला आया था 11 अगस्त को। तो ऐसा लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए जिस तरह से एमपी गवर्नमेंट आगे आ रही है वैसे कुछ आएगी, ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, आगे जो भी चीजें होंगी वो हम आपको बताएंगे। और फिलहाल जो कोर्ट ऑर्डर आएगा जिसमें कि डिसीजन है एग्जैक्टली क्या क्या कौन कौन से पॉइंट पर बातें की गई हैं,
कौन कौन से पॉइंट को कोर्ट ऑर्डर में रखा गया है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जितने और मामले बीएड वर्सेस बीटीसी के चल रहे हैं वहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हैं, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा आपको डिटेल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है बताया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें हैं। सो हमारे साथ बने रहिएगा, टिल देन टेक केयर एवरीवन।